शुभम जी कैसे हैं? हाउ आर यू शुभम जी, आवाज जा रही है हमारी? शुभम जी आवाज हमारी जा रही है? Today, I am organizing the doubt session in the manufacturing process. कहीं doubt है तो आप clear कीजिए. Where you are facing problem? रोहित कुमार जैन जी. यस सर. हाउ आर यू? फाइन सर. फाइन. रोहित कुमार जी, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है? सर अभी तो नहीं आ रही है सर, एक तो डाउट है वो पूछने और. क्या डाउट है बताइए, कहाँ पर, कौन सा टॉपिक हमारे सामने, सारे आपके पढ़े हुए टॉपिक पढ़े हुए हैं? हाँ सर पढ़े हुए थे, पर एक जो मैंने पढ़ा था ना सर उसमें. हाँ हाँ जो पीडीएफ भेजी. हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ सर उसमें सर थोड़े बहुत डाउट आ रहे हैं. हाँ तो जो भी उसमें डाउट आ रहा है तो वही तो मैं कह रहा हूँ. तो जो है आप हमें जहाँ पर जिस टॉपिक में डाउट आ रहा है वो हमें क्लियर कीजिए. उसके जो लेक्चर नोट्स हैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए कर दिए गए हैं और लेक्चर वीडियो भी आपको दे दिए गए हैं. आपको जो भी डाउट हो रहा है, जिस टॉपिक में डाउट हो रहा है, तो उसमें आप डाउट को जो है क्लियर कीजिए. यस सर. है ना? तो आप वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए. एक मिनट सर. हाँ हाँ. चंचल कौशिक जी, जहां डाउट हो रहा है वो हमें क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारा मेन गोल है आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाना. तो
रोहित कुमार जैन जी बताइए, हमारे पास सभी कटिंग टूल मटेरियल का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, कई तरह के कटिंग टूल मटेरियल को हम लोगों ने स्टडी किया, कटिंग फ्लूइड्स को स्टडी किया, गियर मैन्युफैक्चरिंग के कई मेथड्स हम लोगों ने करे, है ना? तो यस सर, तो आप उसको लिस्ट बनाइए कि कहां पर जो है आपको डाउट है रोहित कुमार जैन जी, और उसमें आप ये कर सकते हैं कि कोई अच्छा सा टॉपिक आपको पसंद आता है कटिंग टूल मटेरियल का, कटिंग फ्लूड का, गियर मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, गियर फिनिशिंग का, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें आप कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं। यू कैन ज्वाइन विथ मी फॉर ए, उसमें आप जो है रिसर्च कर सकते हैं, उसमें रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। रिसर्च पेपर अगर आपके पास है ना, तो आपको एमएस के लिए आपको यूरोपियन यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हो जाता है, अगर इफ यू हैव रिसर्च पेपर ऑन योर क्रेडिट। तो पिछले साल भी एक स्टूडेंट हमारा जर्मनी गया हुआ है, एक्लोन का ही गया हुआ है ना? तो आप कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं रोहित जी, कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो आप फ्रीली हमसे कांटेक्ट कीजिए, आई विल गाइड यू इन द एवरी सेंस। आई विल डेफिनेटली विल कांटेक्ट यू। हाँ हाँ हाँ, उसमें जो है आप उसमें टॉपिक ढूंढिए, और कोई उसमें आप जो है कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो फिर उसको आगे कर लिए हम लोग जो है प्लानिंग करें। अभी तो आपका फोर्थ सेमेस्टर है ना? यस सर, फोर्थ सेमेस्टर है, रिमेनिंग फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, एट सेमेस्टर, चार सेमेस्टर अभी रहना है। चार सेमेस्टर में आपका एक रिसर्च पेपर आपका निकल जाएगा, है ना? तो yes, sir. हाँ, तो दैट विल बी वेरी वंडरफुल इफ यू सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट। और एक अच्छा सा रिसर्च पेपर आप बनाइए, है ना? टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपको इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है ना, इंडस्ट्री नहीं है ना, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते इकोनॉमी में, है कि नहीं? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है वर्ल्ड का। तो इसमें आप जो है अच्छा सा टॉपिक पकड़िए, और एक जो है आप इसमें अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कास्टिंग का, कई कास्टिंग प्रोसेस हम लोगों ने बताया हुआ है, कई तरह के कास्टिंग प्रोसेस, हाँ कई तरह के कास्टिंग प्रोसेस बताए गए हैं, कई तरह के जो वेल्डिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, सभी तरह के जो शिप में अप्लाई होते हैं, ऑटोमोबाइल में अप्लाई होते हैं, एरोस्पेस में अप्लाई होता है, सभी तरह के ज्वाइंट्स के बारे में आपको बताया गया है। और सबसे ब्यूटीफुल आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग किया गया है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो कि बिल्कुल नया है वर्ल्ड में अभी, 3D प्रिंटिंग। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग बिल्कुल नया है वर्ल्ड में अभी, नया है। और पिछली बार जो है 3D प्रिंटिंग का सेमिनार भी बाहर से मशीन मंगा करके एक्लोन में मैंने करवाया हुआ था, काफी बच्चे उससे खुश थे। तो आप उसमें आप कहीं भी आप उसको ले सकते हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है, चलें फिर आगे बढ़ें, क्लास शुरू करते हैं फिर, ठीक है? हाँ हाँ, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, और जो भी इस तरह का हेल्प होगा मैं आपको सारा हेल्प मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह लिटरेचर रिव्यू करना है, कौन सा मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना है, कौन सा आपको जो है कैसे रिजल्ट बनाना है, कैसे टेबल बनाना है, कैसे फिगर बनाना है ना? वो आपको इंडस्ट्री के लिए कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करना है ना? तो कौन सी मशीनें जो है दिल्ली में अभी अभी बैंड है, इन्वायरमेंटल की वजह से यहाँ पर आपको बैंड है, दिल्ली में नहीं लगा सकते हैं, दिल्ली के बाहर लगा सकते हैं,
तो ये सारा गाइडलाइंस मैं आपको आपको पूरा मैं आपको कर दूंगा, है ना। तो थोड़ा रिसर्च पेपर के बारे में बता दीजिएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि रिसर्च पेपर जो है आप लिखिए, अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर है ना, फोर्थ सेमेस्टर आप निकलते निकलते एक रिसर्च पेपर रेडी कर लीजिए, एक रिसर्च पेपर रेडी कर लीजिए। और अगर रिसर्च पेपर आपके क्रेडिट पे है ना, तो किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर दीजिए, वहां से आपको एमएस के लिए तुरंत कॉल हो जाता है ना। कई स्टूडेंट हमारे गए हुए हैं, कई स्टूडेंट जो है हमारे गए हुए हैं, और जो है तो आई हैव द वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डिफरेंट कॉलेजेस, तो कई गए हुए हैं, तो आप उसमें ये काम आप शुरू कर सकते हैं, है ना। यस सर, है ना। तुषार कनौजिया जी जुड़ रहे हैं, तुषार कनौजिया जी हमारा हमारी आवाज आ रही है आपके पास, आप वीडियो ऑन कीजिए तुषार जी। तुषार जी वीडियो ऑन कीजिए, हम लोग का एम ही है कि आउटस्टैंडिंग मार्क्स जो है आपको आना चाहिए, तो उसमें कैसे जो है बेटर कैरियर इज टू बी बिल्ड। तुषार कुमार जी हमारी आवाज आ रही है, आपको एनी डाउट है तुषार जी तो आप हमें बताएं, जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डाउट आ रहा है तो आप बताएं। है ना, तो फिर हम लोग जो है अभी हम लोग लेक्चर जो है वो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक बहुत ही आपका इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। आप जब तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेंगे ना, जब तक आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे ना, तो आप मनी गेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेन द मनी। और जब तक इंडस्ट्री में पूरी पकड़ नहीं होगी, इंडस्ट्री के सारे मशीनों को जानते नहीं है, तब तक जो है वो आपको क्लियरेंस नहीं होगा। आपको यू हैव टू बी गो इन द एनी इंडस्ट्री, यू हैव टू बिकम, आपको अगर मैनेजर में आपका वहां पर होता है तो फिर आपको डिप्टी मैनेजर बन रहा है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनना है, जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी बनना है ना। तो ये जो हायरकी जो आप गेन करेंगे, तो जब तक आपको इंडस्ट्री में कमांड नहीं होगा ना, तो वो आपको नहीं हो पाएगा कि व्हाट द स्ट्रेटजी टू बी ऑब्टेन, कौन तरह की मशीनें इंडस्ट्री में लानी है ना, कौन तरह की मशीनें इंडस्ट्री में लानी है, कैसे प्रोडक्शन प्लानिंग करना है। प्रोडक्शन प्लानिंग आपको इंडस्ट्री में जो है आपको जरूरी है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग आपको जो है इंडस्ट्री में जरूरी है। और क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। क्वालिटी कंट्रोल आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्स सिग्मा, कैसे सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट करें, जो भी मशीन से जो पार्ट बन रहे हैं कैसे उसको डिफेक्ट्स को हटाएं। निधिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निधिक जी इफ एनी डाउट इज देयर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप वीडियो को ऑन कीजिए। निधिक जी वीडियो को ऑन कीजिए, कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कीजिए। एनी डाउट इन द सब्जेक्ट, कहां किस टॉपिक में डाउट है, मार्केट में आपको बुक अवेलेबल नहीं है ऑन द टॉपिक ऑफ द सिलेबस ऑफ द YMCA यूनिवर्सिटी, आपको बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हमारा आपको जो आपको लेक्चर नोट्स दिया जा रहा है वही आपको लाइफलाइन है, आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको लाइफलाइन है और इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, है ना। निधिक जी आप कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, निधिक जी एनी डाउट इज देयर, आप उसको क्लियर कीजिए।
सब्जेक्ट में कहीं किसी तरह का डाउट है तो आप उसको क्लियर कीजिए, कहाँ पर आपको डाउट है, कहाँ पर डाउट नहीं है, कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही है, वो आप उसको क्लियरिफाई कीजिए। लेक्चर नोट्स आपको कहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है वो आप उसको आप क्लियर कीजिए। निधिक जी हमारी आवाज आ रही है? निधिक जी को लग रहा है उसको उनका उनका क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम अब लेक्चर शुरू करते हैं, है ना, लेक्चर शुरू करते हैं और आपको इसमें कभी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, आप हमें कभी क्लियर कर दीजिए। आपको प्रोजेक्ट बनाना है, रिसर्च पेपर बनाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। अभी जो मैं एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको बता रहा था तो उसमें जो डाई मटेरियल होगा, डाई का जो आपको मटेरियल होगा फॉर हॉट एक्सट्रूजन टूल एंड एलॉय स्टील होगा। टूल एंड एलॉय स्टील इज द मटेरियल फॉर द हॉट एक्सट्रूजन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डाई मटेरियल आर द हाई वियर रेसिस्टेंस। आपको इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है डाई मटेरियल के लिए वो आपको हाई वियर रेसिस्टेंस है। आपको रियर रेसिस्टेंस आपको ज्यादा होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी आपको जाना ज्यादा होना चाहिए टू रिमूव द हीट फ्रॉम द प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्कपीस मटेरियल है आपको हीटेड होता है तो आपको हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे कि जो है आपको हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए जिससे कि हीट आपको रिमूव हो सके। दूसरा, कोल्ड एक्सट्रूजन में आपको जो डाई मटेरियल होता है टूल स्टील होता है एंड द सीमेंटेड कार्बाइड्स होता है ना, टूल स्टील एंड द सीमेंटेड कार्बाइड्स आर देयर। कार्बाइड्स आर यूज्ड व्हेन द हाई प्रोडक्शन रेट्स आर देयर। जब प्रोडक्शन रेट आपको ज्यादा रहेगा ना तो आप कार्बाइड मटेरियल यूज कीजिएगा, इसका जो है आपको लॉन्ग डाई का लाइफ होता है एंड द गुड डायमेंशनल कंटूर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कार्बाइड्स, सीमेंटेड कार्बाइड्स। सीमेंटेड कार्बाइड्स आपको टूल के रूप में आपको यूज किया जाता है और टूल स्टील के रूप में आपको यूज किया जाता है। ये आपको डाई मटेरियल हो गया, है ना, ये आपको डाई मटेरियल हो गया एक्सट्रूजन में। दूसरा, अदर एक्सट्रूजन प्रोसेस जो है ना ये आपको दिखाया गया है। अदर एक्सट्रूजन प्रोसेस में आपको इंपैक्ट एक्सट्रूजन आता है, ये आपको इंपैक्ट एक्सट्रूजन आपको दिखाया गया है, देखिए, है ना, इंपैक्ट एक्सट्रूजन। ये आपको डाई है, ये आपको यहां पर ब्लैंक रखा गया है, यहां से पंच आएगा और ये पंच से आपको प्रेशर देगा, है ना, ये आपको आपको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है, ये आपको बैकवर्ड एक्सट्रूजन है। ये इंपैक्ट एक्सट्रूजन दो तरह का होता है, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन एंड द बैकवर्ड एक्सट्रूजन, है ना। इट इज परफॉर्म एट द हायर स्पीड, ये हायर स्पीड पे आपको परफॉर्म किया जाता है, हायर स्पीड पे आपको परफॉर्म किया जाता है और शॉर्टर स्ट्रोक्स में आपको काम किया जाता है। द बुलेट इज एक्सट्रूडेड थ्रू द डाई बाय द इंपैक्ट प्रेशर। इसमें इंपैक्ट प्रेशर लगाया जाता है बुलेट पे, है ना, इंपैक्ट प्रेशर लगाया जाता है और थ्रू द डाई बाय इंपैक्टिंग कैन बी कैरिड आउट एज द फॉरवर्ड एक्सट्रूजन एंड द बैकवर्ड एक्सट्रूजन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दोस, है ना जी। तो इसमें आपको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होगा, बैकवर्ड एक्सट्रूजन होगा और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है, यहाँ से आपको आपको प्रेशर दिया जा रहा है, ये आपको एक्सट्रूडेड पार्ट है, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। बैकवर्ड एक्सट्रूजन में ये आपको स्टार्टिंग ब्लैंक है, ये आपको डाई है, ये आपको पंच है, यहाँ पंच से प्रेशर दिया गया, ये आपको पार्ट एक्सट्रूड हो गया, है ना। कंबाइंड एक्सट्रूजन में दोनों ही आपको यूज किया जाता है, आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही यूज किया जाता है, इसको कंबाइंड एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो आपको फिगर दिया हुआ है कंबाइंड एक्सट्रूजन प्रोसेस का दिया हुआ है, दो कंबाइंड एक्सट्रूजन प्रोसेस में आपको दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन को और बैकवर्ड एक्सट्रूजन को
कंबाइन कर लिया जाता है इसमें, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और बैकवर्ड एक्सट्रूजन को आपको कंबाइन कर लेते हैं, है ना। तो इंपैक्ट एक्सट्रूजन जो आपको आपको कैरी किया जाता है आपको वेरी थिन वॉल से आपको आपको किया जाता है, इंपैक्ट एक्सट्रूजन का जो फायदा है लार्ज रिडक्शन एंड द हाई प्रोडक्शन रेट, लार्ज रिडक्शन एंड द हाई प्रोडक्शन रेट आपको यहां पर आपको ये फायदा है। नेक्स्ट टाइप का जो एक्सट्रूजन है हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है ना, ये आपको रैम दिखाया गया है और ये आपको फ्लूड दिखाया गया है, ये आपको कंटेनर दिखाया गया है, ये आपको डाई दिखाया गया है ना। और यहां देखिए इसमें आपको जो फ्लूड रहता है ना, फ्लूड से प्रेशर अप्लाई करते हैं, फ्लूड से प्रेशर अप्लाई करते हैं रैम से ना, रैम इसको फ्लूड पे प्रेशर देता है और ये फ्लूड ना चारों तरफ आपको प्रेशर अप्लाई करता है, ये आपको एक्सट्रूडेड शेप है, ये आपको एक्सट्रूडेड शेप है और आपको ये डाई है, ये आपको वर्क ब्लेड है जो ब्लू कलर का है ना, वो आपको वर्कपीस वर्क ब्लेड है, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है, यहां पर आपको आपको ये आपको दिखाया गया है, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है ना। इन द हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन द बिलेट इज सराउंडेड विद द फ्लूड इन साइड द कॉन्टेनर, फ्लूड इज प्रेशराइज्ड बाय द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द रॉन, there is no friction inside the container because of the fluid and the friction is minimized at the die opening, hai na, hydrostatic pressure on the work on the no friction situation increases the material ductility, material ductility, ye aapko ductile material aur the high reduction ratio pe aapko ye aapko kaam karta hai, hai na। to ye aapko hydrostatic extrusion tha aur the impact extrusion tha jo another type ka आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस है, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है और ये आपको इंपैक्ट एक्सट्रूजन है, इंपैक्ट फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इंपैक्ट बैकवर्ड एक्सट्रूजन एंड द इंपैक्ट कंबाइंड एक्सट्रूजन, इंपैक्ट कंबाइंड एक्सट्रूजन ये इसको आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड द कंबाइंड एक्सट्रूजन है ना। तो ये आपको एडवांटेज है, इसमें लार्ज रिडक्शन पॉसिबल है, हाई प्रोडक्शन रेट आपको पॉसिबल है ना, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है। और व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द केस ऑफ द एक्सट्रूजन, क्या क्या आपको डिफेक्ट हो सकते हैं यहां पर आपको दिखाया गया है, दिस इज द सेंटर ब्रस्ट, ये डिफेक्ट्स है, इसको सेंटर ब्रस्ट बोलते हैं, सेंटर ब्रस्ट है ना, ये आपको सेंटर ब्रस्ट जो बनता है ना, ये आपको इंटरनल क्रैक हो जाता है एंड रिजल्ट ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग द सेंटर एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, ये आपको हो जाता है, ए लार्ज मटेरियल मोशन एट द आउटर रीजन पुल्स द मटेरियल अलोंग द सेंटर ऑफ द वर्क, कंडीशन दैट प्रमोट दिस डिफेक्ट आर द हाई डाई एंगल, हाई डाई एंगल रहेगा तो आपको सेंटर ब्रस्ट बन जाएगा, लो एक्सट्रूजन रेशियो होगा तो आपको सेंटर ब्रस्ट बन जाएगा, एंड द इंप्यूरिटी इन द वर्क मटेरियल होगा तो आपको सेंटर ब्रस्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड चेवरॉन क्रैक है ना। चेवरॉन एक द एक रशियन प्रोफेसर है, उसी के नाम पे आपको ये रखा गया, चेवरॉन क्रैकिंग है ना। सेंटर ब्रस्ट जो है आपको अगर हाई डाई एंगल आपको रहता है तो आपको सेंटर ब्रस्ट हो जाएगा, लो एक्सट्रूजन रेशियो होगा तो आपको सेंटर ब्रस्ट हो जाएगा, इंप्यूरिटी आपको वर्कपीस मटेरियल में होगा तो आपको सेंटर ब्रस्ट हो जाएगा है ना। तो ये आपको चेवरॉन ब्रेकिंग है। दूसरा टाइप का आपको डिफेक्ट है पाइपिंग है, ये आपको पाइपिंग है, पाइपिंग डिफेक्ट्स है ना। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिंक होल इन द एंड ऑफ द बिलेट, बिलेट में आपको सिंक होल में आपको ये आपको यूज किया जाता है, दिस इज मिनिमाइज्ड बाय द यूजेज ऑफ द डमी ब्लॉक, दिस इज मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ द डमी ब्लॉक व्हिच डायमीटर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द बिलेट है ना। ये आपको पाइपिंग है और ये आपको सरफेस क्रैकिंग है ना, ये आपको सरफेस क्रैकिंग है। दिस डिफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द हाई वर्कपीस टेम्परेचर दैट कॉजेस क्रैक्स टू डेवलप द सरफेस, सरफेस में आपको क्रैक्स हो सकते हैं, दे ऑल्सो ओकर एट द हायर एक्सट्रूजन स्पीड्स लीडिंग टू हाई स्टैंडर्ड्स एंड द हीट जनरेशन, हायर फ्रिक्शन एट द सरफेस एंड द चिलिंग ऑफ द हाई टेम्परेचर बिलेट्स इन द हॉट एक्सट्रूजन ऑल्सो कॉज दिस डिफेक्ट, ये आपको सरफेस क्रैकिंग है, ये आपको आपको जो है आपको सरफेस क्रैकिंग है, ये आपको सरफेस क्रैकिंग है। तो आपको एक्सट्रूजन में आपको ये आपको
तीन तरह के आपके डिफेक्ट होते हैं, सेंटर ब्रस्ट होते हैं, पाइपिंग होते हैं और सरफेस क्रैकिंग होते हैं, है ना। ये आपको तीन तरह के डिफेक्ट आपको जो है आपको होते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस में। दूसरा है वायर रोड एंड द बार ड्रॉइंग। ये आपको वायर बनाने के लिए, रॉड बनाने के लिए, बार ड्रॉइंग बनाने के लिए ये आपको आपको काम आता है। ये वायर बनाया जाता है, रॉड बनाया जाता है, पुल थ्रू ए डाई, ये डाई से आपको खींचा जाता है ना, टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपको रिड्यूस करता है ना। ये आपको इनिशियल डायमीटर है डीओ, ये आपको फाइनल डायमीटर है डीएफ, ये आपको एंगल है, ये आपको स्टार्टिंग स्टॉक है, ये आपको यहां पर फाइनल वर्क साइज आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। ये आपको वायर रोड ड्रॉइंग कैसे करते हैं, यहां पर स्टार्टिंग स्टॉक रखा गया गरम करके स्टार्टिंग स्टॉक रख करके यहां से पुल करते हैं, यहां से इसको पुल करते हैं। पुल करने के बाद आपको ये जो है आपको इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये आपको वायर रॉड एंड बार ड्रॉइंग है। और दूसरा डिफरेंस बिटवीन वायर ड्रॉइंग एंड द रॉड ड्रॉइंग में जो फर्क है, बेसिक डिफरेंस है, वो स्टॉक साइज है। स्टॉक साइज आपको, ये आपको स्टॉक साइज है, ये आपको स्टॉक साइज है। स्टॉक साइज कितना लेते हैं, कितना रिडक्शन रोशियो है, उसी पे वायर साइजेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 0.03 mm आर प्रोड्यूस्ड इन द वायर ड्रॉइंग। वायर ड्रॉइंग में आपको वायर साइजेज ऑफ द 0.03 mm तक का जो है आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको इनिशियल स्टॉक साइज है। एंड दूसरा जो ऑपरेटिंग स्टेज है, इसमें बार ड्रॉइंग में वन डाई ऑपरिंग होता है, सिंगल स्टेज ऑपरेशन होता है ना। ये आपको बेस्ट टाइप ऑपरेशन में आपको काम आता है। वायर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोयल कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल हंड्रेड मीटर्स एंड द इज ड्रॉन थ्रू ए सीरीज ऑफ द डाई, द नंबर ऑफ द डाई वेरी बिटवीन 4 and 12, है ना। ये आपको कंटिन्यूअस ड्रॉइंग है, ये आपको कंटिन्यूअस ड्रॉइंग आपको दिखाया गया है। वायर ड्रॉइंग का यहां पर आपको सिंपल एनालिसिस आपको यहां पर बताया गया है। ट्रू स्ट्रेन इन वायर ड्रॉइंग अंडर द इनिशियल डिफॉर्मेशन आपको ये होगा, ट्रू स्ट्रेन है ना, ए जीरो डिवाइड बाई एफ वन माइनस आर, आर आपको ये हो गया, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइड बाई इनिशियल एरिया। अंडर द आइडल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन द वायर ड्रॉइंग इज गिवन बाई दिस वन, स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन द वायर ड्रॉइंग आपको ए जीरो बाई ए एफ, ये आपको आपको वायर ड्रॉइंग में होगा। और yf is the average flow stress, ये आपको होगा corresponding to जो ये आपको equation में आपको दिखाया गया। In order to consider the effect of the die angle and the fissure coefficient on the drawing stress, Sachi जो एक English professor है, ये आपको equation आपको दिया हुआ है ना। Sachi एक English professor है ना, वो आपको ये इक्वेशन उसमें आपको दिया है, रो इक्वल टू वाई वन प्लस म्यू बाय टेन अल्फा फाइव एल एन ए जीरो बाई एफ, ये आपको सेची ने आपको यहां पर आपको ये इक्वेशन आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। सेची ने आपको ये इक्वेशन यहां पर आपको दिया हुआ है। और मैं आप लोग का अटेंडेंस आपका ले लेता हूं। है ना, ये आपको सेची ने ये स्ट्रेस निकालने के लिए, ड्रॉइंग स्ट्रेस निकालने के लिए ये इक्वेशन आपको आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। और दूसरा फाई जो है होमोजेनियस डिफ्लेक्शन में आपको फाई जो आपको मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको यहां पर आपको दे देगा, 0.88 प्लस 0.12 डी बाई एल सी, वेयर डी इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द वर्क पीस।
LC is the contact length of the workpiece with the die given. Diameter D, आपको D दिया हुआ है D zero plus DF by two. LC दिया हुआ है D zero minus DF by two sine alpha. है ना? Drawing force जो लगेगा वो आपको यहाँ पर बताया गया है AF rho D. ये आपको drawing force आपको बताया गया है. ये आपको drawing force आपको यहाँ पर आपको ये लगेगा. है ना? ये आपको ड्राइंग का आपको स्टेप दिखाया गया है. ये आपको ड्राइंग डॉय है. ये फाइनल वर्क साइज है ना. ये फोर्स यहाँ पे लगाया गया है. ये डी जीरो है. ये आपको स्टार्टिंग स्टॉक है. ये आपको अल्फा है ना. यहां से खींचते हैं इसका डायमीटर जो है आपको रिड्यूस हो जाता है ना. इसमें वायर जो है उसमें ड्रा होता है. उसमें एंट्रेंस एंगल आपको 15 डिग्री है. स्टार्टिंग डायमीटर आपको 2.5 mm एंड द फाइनल डायमीटर 2 mm. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.07. द मेटल हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ दिस पास्कल. है ना? ये आपको वायर ड्राइंग आपको यहां पर आपको जो है वो आपको दिखाया गया है ना. ये आपको ड्राइंग इक्विपमेंट आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है. ये आपको ड्राइंग इक्विपमेंट आपको दिखाया जा रहा है. ये आपको डाई स्टैंड है. ये आपको ड्रॉन बार्स है. ये आपको कैरेज है. ये आपको एक्सिस ट्रैक है. और ये आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर है ना. देखिए कैसे वायर डिया. ये आपको स्टार्टिंग वर्क है ना. ये आपको डाई स्टैंड है. यहां से आपको यहां पर खींचा गया और ये ड्रॉन बार्स को यहां पर कैरेज किया गया है ना. ये आपको यहां पर आपको ये वेलोसिटी से यहां से आपको निकले आपको आपको वायर निकलेगा. ये आपको एग्जिस्ट ट्रैक है. ये आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर है. जो कंटिन्यूस वायर ड्राइंग का प्रोसेस है ना यहां पर आपको दिखाया गया है. कंटिन्यूस वायर ड्राइंग प्रोसेस है ना. लुब्रिकेंट बॉक्स लगाया गया है. ये आपको ड्रॉ डॉय लगाया गया है ना. और ये आपको कंटिन्यूस ड्राइंग ऑफ द वायर आपको लगाया गया है ना. यहां से एक स्टेज से निकला फिर दूसरे स्टेज में आया फिर यहां से आपको चला गया है ना. कंटिन्यूस ड्रम होल्ड्स मल्टीपल लूप्स ऑफ द वायर. दिस जो है आपको मल्टीपल लूप्स ऑफ द वायर आपको यहां पर आपको आपको ये गेन करता है. ये इनिशियल वायर इन स्टॉक इन द कॉइल फॉर्म आपको दिया आपको दिखाया गया. कैपेसिटेंट ड्रम होल्ड्स द मल्टीपल लूप्स ऑफ द वायर. मल्टीपल लूप्स ऑफ द वायर है ना. कंटिन्यूस ड्रॉइंग ऑफ द वायर इज देयर है ना. आपका जो ड्रॉइंग डाइज होगा ड्रॉइंग डाइज आपको यहां पर आपको दिखाया गया है. ड्रॉइंग डाई का आपको शेप आपको यहां पे दिखाया गया. ये आपको अप्रोच एंगल हो गया. यहां से यहां तक अप्रोच होगा. ये आप पर आपको एंट्री होगा. ये आपको बैक रिलीफ आपको बियर सरफेस लैंड आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना. ये आपको एंट्री रीजन इज ए जनरली बेल शेप्ड माउथ एंड डज नॉट कंटैक्ट द वर्कपीस. एंट्री रीजन जो है आपको बेल शेप्ड माउथ है. बेल की तरह शेप है ना. देखिए बेल शेप है. ये बेल शेप्ड माउथ है एंड डज नॉट कंटैक्ट द वर्कपीस. ये वर्कपीस को कॉन्टैक्ट नहीं करता है. इट्स फंक्शन इज टू कंटेन एंड पुश द लुब्रिकेंट. इट्स फंक्शन इज टू कंटेन एंड पुश द लुब्रिकेंट इन टू द डाई एंड प्रिवेंट वीरिंग ऑफ द वर्क एंड द डाई सर्फेस. द अप्रोच रीजन इज वेयर द ड्रॉइंग ऑपरेशन अकर्स. इट इज कॉन्सेप्ट विथ एन एंगल ऑफ द हाफ एंगल नॉर्मली रेंजिंग फ्रॉम 6 डिग्री टू द 20 डिग्री. जो अप्रोच रीजन है अप्रोच एंगल है ये आपको 6 डिग्री से 20 डिग्री तक आपको वेरी करता है ना. ये एंगल अप्रोच एंगल. द बियरिंग सरफेस और द लैंड डिटरमाइंस द साइज ऑफ द फाइनल ड्रॉन वर्कपीस. बियरिंग सरफेस ऑफ द लैंड ड्रॉन द फाइनल वर्कपीस साइज. आपको ये फाइनल वर्कपीस साइज आपको दिखाता है. फाइनली द बैक रिलीफ इज द एग्जिस्ट जोन. ये आपको एग्जिस्ट जोन है. इट इज प्रोवाइडेड विथ ए बैक रिलीफ एंगल ऑफ अबाउट 25 to 30 degrees है ना. ये आपको ड्रॉइंग डाइज के बारे में आपको जो कॉन्फिग्रेशन वो आपको यहां पर आपको बता रहा है ना. तो फिर से मैं आपको रिवीजन कर देता हूं कहां पर आपको क्या हुआ है. आज फिर से मैं आपको को बता देता हूं.
हमने इंपैक्ट एक्सट्रूजन से अपना लेक्चर शुरू किया था. इंपैक्ट एक्सट्रूजन के बारे में यहां पर आपको बताया जा रहा है, ये आपको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है, ये आपको बैकवर्ड एक्सट्रूजन है ना, ये आपको बैकवर्ड एक्सट्रूजन है, यहां पर आपको ये डाई है, ये आपको स्टार्टिंग ब्लैंक है, ये आपको पंच है, ये जो है आपको एक्सट्रूडेड पार्ट है, ये आपको एक्सट्रूडेड पार्ट है, ये आपको है ना, ये आपको बैकवर्ड एक्सट्रूजन है, ये आपको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है. फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में यहां पर आपको प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर दे करके आपको यहां पर ये जो है ये आपको फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है, ये आपको फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है. कल भी फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और बैकवर्ड एक्सट्रूजन के बारे में आप हम लोग समझ रहे थे. तो ये फॉरवर्ड एक्सट्रूजन है, ये आपको जब पीछे जाएगा तो ये आपको बैकवर्ड एक्सट्रूजन है ना, और ये आपको कंबाइंड एक्सट्रूजन है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को कंबाइन किया गया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को कंबाइन किया गया है, ये आपको कंबाइंड एक्सट्रूजन है, ये आपको एक्सट्रूडेड पार्ट है, ये आपको फोर्स दिया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, ये आपको एक्सट्रूडेड पार्ट है ना, ये आपको कंबाइंड एक्सट्रूजन है ना. तो इंपैक्ट एक्सट्रूजन का ये फायदा है कि हम लोग लार्ज एक्सट्रूजन, लार्ज रिडक्शन कर सकते हैं, हाई प्रोडक्शन रेट आपको अचीव कर सकते हैं, ये आपको फायदा है. दूसरा हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन में आपको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगाया जाता है, फ्लूड से प्रेशर लगाया जाता है, फ्लूड आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना, डायरेक्टली रेम जो है प्रेशर नहीं लगाता है वर्कपीस पे, रेम प्रेशर नहीं लगाता है, फ्लूड प्रेशर लगाता है. ये आपको कंटेनर आपको दिखाया गया है, ये आपको डाई दिखाया गया है, और ये जो है फ्लूड आपको दिखाया गया है, और ये आपको रेम दिखाया गया है, ये आपको यहाँ पे आपको फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये आपको चारों साइड से आपको इसमें प्रेशर लग रहा है, और ये पार्ट आपको एक्सट्रूड हो रहा है, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है ना. फ्लूड कौन सा रहता है इसमें? फ्लूड वाटर भी यूज कर सकते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं, वाटर से प्रेशर बनाते हो? हाँ हाँ, वाटर यूज कर सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में आप जो है इसमें वाटर यूज कर सकते हैं, है ना. फ्लूड जो है आप इसमें वाटर जो है यूज कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है. और दूसरा उसमें अगर मिक्स करना है तो क्लोरीन वगैरह मिक्स कर लेते हैं, क्लोरीन मिक्स कर लेंगे उसमें, है ना. क्लोरीन जो है आपको वो आपको ऑक्सीडेशन होने में रोकता है, तो क्लोरीन उसको जो है यूज कर लेते हैं. कोई भी फ्लूड उसमें जो है आप उसमें यूज कर सकते हैं, है ना. तो ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है, ये आपको हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन है ना. बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसमें ये फायदा है कि रेम प्रेशर नहीं लगाता है, और इसमें इक्वल प्रेशर आपको जो है पार्ट पे जो है लगता है ना, इसमें इक्वल प्रेशर जो है आपको लगता है, इसमें आपको फ्रिक्शन आपको नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द फ्लूड इज टेकिंग द प्रेशर, आपको इसलिए इसमें आपको फ्रिक्शन नहीं लगेगा. फ्रिक्शन नहीं लगने से आपको जो मोटर में पावर है वो भी आपको कम लगेगा. फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन आपको वहां पे लगा नहीं, फ्रिक्शन लगा नहीं तो मोटर में भी जो पावर है वो आपको कम लगेगा, है ना. है ना, तो ये आपको इसमें ये आपको फायदा है. ये आपको डक्टाइल मटेरियल में भी आपको यूज कर सकते हैं, और हाई रिडक्शन रेशियो के लिए ये आपको जो है आपको ये आपको आपको फायदा है. तो ये आपको यहां पर बताए थे. दूसरा डिफेक्ट्स बताए थे, सेंटर ब्रस्ट है, पाइपिंग है, और द सरफेस क्रेकिंग है. ये तीन डिफेक्ट है, वो एक्सट्रूजन में आपको तीन तरह के डिफेक्ट हैं.